हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका अपना दोस्त सतेंद्र चौधरी। आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमेशा की तरह इस वीडियो में भी मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके साथ में डिस्कस करूंगा। अभी रिसेंटली मैंने दो तीन वीडियो बनाए हैं। पहला वीडियो मैंने बनाया था कि हम अपने सॉलिड वेस्ट को कैसे मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद में मैंने वीडियो बनाया कि जो हमारा सॉलिड वेस्ट है उसका कॉमन कॉम्पोजिशन क्या होता है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सॉलिड वेस्ट के ऐसे कौन कौन से कैरेक्टर हैं जिन पे हमें फोकस करना चाहिए, जिनका हमें पता होना चाहिए, क्यों फोकस होना चाहिए, क्यों पता होना चाहिए। ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी हम म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट की बात करते हैं तो वेस्ट जनरेट होने के बाद में हमारे दिमाग में एक चीज़ आती है कि इसको मैनेज कैसे करें। अगर हमें अपने म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट को मैनेज करना है तो हमें ये पता होना ज़रूरी है कि वो जो सॉलिड वेस्ट है उसके कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर हैं जिसके बेस पे हम उनको मैनेज कर सकें। जैसे कि सबसे पहला कैरेक्टर आया डेंसिटी, कि आपके सॉलिड वेस्ट की डेंसिटी कितनी है। दूसरा है मॉइस्चर कंटेंट, उसमें मॉइस्चर कितना है। सपोज करो, पहले दो कैरेक्टर की अगर मैं बात करूं, आपके जो वेस्ट है उसकी डेंसिटी बहुत कम है बट वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, हम उसको कंपैक्ट करने की कोशिश करेंगे जब हम लैंडफिल में उसको डालेंगे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट आए। वैसे ही मॉइस्चर कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट हम रिमूव करने की कोशिश करेंगे, मॉइस्चर कंटेंट रिमूव करेंगे तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। फिर तीसरा इम्पोर्टेंट करेक्टर है कैलोरीफिक वैल्यू। अगर वेस्ट को बर्न करके एनर्जी ज़्यादा मिलती है तो फिर हम वेस्ट को लैंडफिल में डालने के बजाय उसको बर्न करेंगे, उसकी एनर्जी को यूज़ करेंगे। केमिकल कैरेक्टर्स, अगर हम केमिकल कैरेक्टर्स की बात करें तो लाइक उसका उसमें कार्बन कितना है, नाइट्रोजन कितना है, सीएन रेशो कितना है, ये सब कैरेक्टर हमारे दिमाग में आने चाहिए। अगर उसमें अच्छे अमाउंट में कार्बन है, नाइट्रोजन है, तो हम उसे एज ए फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं। अगर उसका सी एन रेशो ठीक है तो हम उसका कंपोस्ट बना सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए कि हम उसका केमिकल करेक्टरिस्टिक करें, देखें कि उसमें कौन कौन से केमिकल मौजूद हैं। इग्निटिबिलिटी, अगर आपका वेस्ट जो है वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है तो उसको ऐसे डंप करना बहुत ही खतरनाक हो जाएगा, इसीलिए हमें पता होना चाहिए इसके बारे में। टॉक्सिसिटी, ऐसा तो नहीं है कि जो आप वेस्ट डंप कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है और वहाँ की सराउंडिंग्स को वो डैमेज कर दे। रिएक्टिविटी, वो दूसरे वेस्ट के साथ में रिएक्शन तो नहीं कर रहा है, ऐसा तो नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो। कोरोजिविटी, अगर आप को ये पता चले कि आपका जो वेस्ट है वो कोरोजन क्रिएट कर रहा है तो आप उसको अलग तरीके से मैनेज करेंगे। और लास्ट में आता है उसमें कितना इन्फेक्शन करने का पोटेंशियल है। ये 9 कैरेक्टर हैं, ये हमें पता होना चाहिए और इनको हम पहले डिटरमिन करते हैं, उसके बाद ये हम अपना डिसीजन लेते हैं कि अपने वेस्ट का हमें क्या करना है। तो इसमें डेंसिटी का, मॉइस्चर कंटेंट, कैलोरीफिक वैल्यू, केमिकल कैरेक्टर, वो आग तो नहीं कर रहा है, वो टॉक्सिक तो नहीं है, वो कोरोजन तो नहीं कर रहा है, वो रिएक्टिव तो नहीं है, वो इन्फेक्शन तो नहीं कर सकता, ये सब हमने एक बार देख लिए। देखने के बाद में हमने ये डिसीज़न लिया कि हम इस वेस्ट के साथ में क्या क्या चीज़ कर सकते हैं, कैसे इसे मैनेज कर सकते हैं।
बहुत ही इम्पोर्टेंट ये 9 कैरेक्टर हैं, इनको आपने बहुत अच्छे से जो है याद कर लेना है। तो वैसे ही सीक्वेंस में चलिए, जैसे मैंने पहले आपको बताया कैसे मैनेज करना है, वो टेबल अपने नोटबुक में बनाइए। उसके बाद में फिर आपने केमिकल कॉम्पोजिशन देख लिया, उसके बाद में ये 9 कैरेक्टर लिखिए। अभी मैं धीरे धीरे और बहुत सारे इस पर जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन सभी पे वीडियो बनाऊंगा, उन सभी को लिख के याद कीजिए दोस्तों अपने नोटबुक में नोट करके। जब आप ऐसे धीरे धीरे याद करेंगे लिख लिख के, तो आपको एंड में पता चलेगा कि आपके पास में कितने बेहतरीन नोट्स बन गए हैं और आप कितने आप में पोटेंशियल आ गया है, आपको कितनी चीज़ें पता चल गई हैं। और जब एट द एंड आप चीज़ों को अच्छे से करके रिवीजन करके एग्ज़ाम दोगे, तो आप पाओगे कि यही सब चीज़ें जो आपको पढ़ा दी गई हैं, बता दी गई हैं, जो बुक्स आपको बता दी गई हैं, कि उन्हीं में से पूरा पेपर बन के आ रहा है। तो लगातार सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए दोस्तों। यहाँ पे मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, आपने मुझे ये बताना है कि जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है, ठीक है, उसको मैनेज करने के लिए अभी गवर्नमेंट ने कितने कलर कोड निर्धारित किए हैं, कितने कलर कोड ऐसे हैं जो अभी गवर्नमेंट ने रिसेंटली जो अपडेशन हुई थी, जो अमेंडमेंट हुई थी बायोमेडिकल वेस्ट में, पहले 10 कोड थे, अब कितने ऐसे कलर कोड हैं जिनके माध्यम से हम, जिनके द्वारा हम अपना बायोमेडिकल वेस्ट को मैनेज करते हैं। दोस्तों सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरी बेस्ट विशेज आपके साथ में है। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।